नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली है। आज बिहार के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलिकर ने नीतीश कुमार को सीएम के पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने नौवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल किया है। सीएम की कुर्सी संभालने से पहले आज नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अपना नाता तोड़ दिया और नाता तोड़ते हुए राजभवन जाकर इस्तीफा दिया था। इसके बाद पहले उन्हें जदयू विधायक और फिर एनडीए के विधायक दल का नेता चुन लिया गया। नीतीश कुमार समेत 9 लोगों को राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम की कुर्सी भाजपा कोटे से जिन दो चेहरों को मिली है उनमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शामिल हैं। नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी ने शपथ ली। इसके अलावा मंत्री के तौर पर विजय चौधरी, श्रवण कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार, संतोष कुमार सुमन, विजेंद्र यादव, सुमित सिंह ने शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए के घटक दल के सभी नेता मौजूद थे, जिनमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी शामिल हैं। माननीय राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल जी, कृपया समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मनोनीत मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। आदेश, बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री नीतीश कुमार को बिहार राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार के राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल जोंगसू, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सबकी निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल जी, आपकी अनुमति से मैं मंत्रीगण की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूँ। आदेश, बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री जितेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रेम कुमार, श्री श्रवण कुमार, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुमित कुमार सिंह, बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चोंगथो, राज्यपाल के प्रधान सचिव। मनोनीत मंत्री श्री सम्राट चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने का कृपा करें। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक
और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें।
में मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं मेरे द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री बिजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना किसी सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार से लगाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समृद्ध निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
मनोनीत मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने से कृपा करें। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोक प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समक्ष निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मनोनीत मंत्री श्री श्रवण कुमार से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं श्रवण कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं श्रवण कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा।
मनोनीत मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता सुन रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के द्वारा न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृति या प्रकट नहीं करूँगा। मनोनीत मंत्री श्री सुमित कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे मंच पर पधारकर शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुमित कुमार सिंह सत्य प्रतिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय व्यक्ति ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल जी कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।